प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार यानी 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए डोडा पहुंचे। यहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में मोदी जी ने 45 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान पीएम मोदी ने परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खानदान ने बर्बाद किया। इन तीन खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं है। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। वहीं मोदी ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कहते हैं कि अगर 20 सीटें और आती तो मोदी समेत सभी नेता जेल में होते। आपके नेताओं को जेल भेजने के लिए सरकार बनानी है या लोगों के भले के लिए? इस रैली के जरिए पीएम मोदी ने चिनाब घाटी के तीन जिले डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों को साधा। 18 सितंबर को चुनाव के पहले फेज में कुल 24 सीटों पर वोटिंग होनी है। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव तीन खानदान और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। एक तरफ तीन खानदान है, दूसरी तरफ सपने लेकर निकल पड़े हैं नौजवान। इन तीन खानदानों से मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं है। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं। इन तीन खानदानों ने यहाँ करप्शन को बढ़ावा दिया, जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आपको तरसाया गया। वहीं कश्मीरी पंडितों पर सीएम ने कहा कि 3 दशक से ज्यादा हो गए, इसी दिन हमारे कश्मीरी पंडित टीका लाल टपलू को आतंकवादियों ने शहीद किया था। उनकी हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार का अंतहीन सिलसिला चला। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाई, उनका साथ दिया। यहाँ मंच पर हमारी बेटी शगुन बैठी है, इनके पिता और चाचा दोनों को आतंकवादियों ने मार डाला। अब भाजपा ने आतंकवाद पीड़ित इस बिटिया को टिकट दिया। बेटी शगुन सिर्फ कैंडिडेट है ऐसा नहीं है, ये आतंक को खत्म करने के भाजपा के मजबूत इरादों की जीती जागती तस्वीर है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तीन खानदानों ने यहाँ अलगाववाद और आतंकवाद के लिए जमीन तैयार की। इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। ये लोग आतंकवाद को इसलिए पाल पोस रहे थे ताकि इनकी अरबों खरबों की दुकान चलती है। इनके गुनाहों की वजह से हमारे बच्चों की जान चली गई। ये चंद्रभागा घाटी ये सालों साल चले आतंकवाद के दौर की गवाह रही है। याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहाँ अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सारी दुकानदारी ठप, सारा कामकाज ठप। तब केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। वहीं उन्होंने पत्थरबाजी पर भी जमकर बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया वो किसी सपने से कम नहीं। जो पत्थर पहले पुलिस और फोर्स पर फेंकने के लिए उठते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। ये सब कुछ किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया, ये जम्मू कश्मीर के आप लोगों ने किया। आपके इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर भाजपा ने आपके लिए एक से बढ़कर एक संकल्प लिए। वहीं पर्यटन पर भी पीएम मोदी ने जोर दिया। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने पर मोदी ने कहा कि पुराने दिनों में यहाँ के लोग बड़े गर्व से कहते थे कि मोदी जी यहाँ इस फिल्म की शूटिंग होती, लेकिन आतंकवाद बढ़ने के बाद यहाँ फिल्म वालों का आना बंद हो गया। 10 सालों की मेहनत के बाद ये हालात भी बदलते नजर आ रहे हैं। देश ही नहीं दुनिया भर के फिल्म वाले शूटिंग्स के लिए आए, ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। इसके लिए नई फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई है। जम्मू कश्मीर फिर फिल्मों में और दुनिया में छाएगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।